सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ कोमल और अज असीं पहुंचे हाँ जी मॉडल हाउस दे विच। सेंट सोल दे टाइम दे विच अज लगेगा जी जायके दा तड़का। सो तड़का है कि पंजाबियों नूं जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ते अजकल जंक फूड दी भरमार है। सो असीं पहुंचे हाँ जी फ्रैश एवेन्यू दे और इत्थे खास बहुत सारियां चीज़ां ने। सब तो वड्डी गल है कि इत्थे वाइफ एंड हसबेंड दोनों मिल के काम कर रहे ने। कहते हैं जो एक हाथ के दूजा हाथ हो जाए ना तो काम बहुत ज़्यादा वधिया चलता। और आओ करते हैं इस फ्रैश एवेन्यू वाले ना गलबात कि वो की स्पेशल दे रहे हैं। गलबात की उन्होंने दुकान की ऐसी स्पैशलिटी है जो लोग इतने हुम हुम आके पहुँचते हैं और शाम को इतने लगातार भीड़ होती है कस्टमर की। और की गलबात है और किदा उन्होंने मन से आइडिया आया? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम। की नाम है जी थोड़ा? मेरा हरप्रीत सिंह है जी। हरप्रीत जी, अजकल की जी नवी यंग युवा पीढ़ी है वह हर कोई चाहता है कि असी फॉरन कंट्री चले जाइए, बाहर चले जाइए या कोई यहोजा काम करिए जिदे सू बहुत ज़्यादा पैसे एकदम आने शुरू हो जाए। एक्चुअली बाहर जाते तो मैं शुरू के हक ही नहीं है, अपनी फैमिली के नाल रहो, इतने अपना कारोबार बधाओ, ना अपने देश रहो। तो नाले मैं हमने मेरा साल ही हो मैरिज हुई नू, वाइफ मेरी शुरू तो ही फूड लाइन के सी, तो यदा सपना ही सगा भी मैं अपना रेस्टोरेंट एक दिन खोलना ही खोलना है। तो जिदा भी आप थोड़ा बहुत करके नाल फ्रेंड जिदा सर्कल काफ़ी हैल्प की मुंडिया ने। तो मेरा एक फ्रेंड आदा मेन ब्रांच वो यही है, मैं वो फ्रेंचाइजी ली, उन्हें नाल मेरे हेल्प करके पूरा सैटअप करवाया इतने। तो हूँ असी मतलब कि सानू महीना हो चुका है तो काफ़ी वधिया रिस्पोंस आ रहा है। तो ये भी नाल ही इनू तो सारा काम आता ही, हूँ मैं हौली हौली सीख रहा वा। कहते ने हमेशा औरत दे कोलो बहुत कुछ सीखण नू मिलदा है। कहते जो दोनों की सैटिंग हो जाती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो काम वाकई बहुत वधिया चलता है। सो गल करते हैं मैम होना नाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैरिज दी बहुत बहुत मुबारक। दूसरी गल कि इस चीज़ दी मुबारक है कि तुहाडे हसबेंड तुहाडे नाल ने। जो हसबेंड का साथ मिल जाता है तो हमेशा औरत तरक्की करती है। और कई वाली कहते होंगे ने कि एक कामयाब इंसान के पिछे औरत का हाथ है। सो अज ये डेफिनेशन बिल्कुल तुहाडे रूबरू है। सो कर दिया मैम ने गल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। सो तुहाडे मन च की सी कि सी फूड लाइन का ही काम करना है? मैं स्टार्टिंग तो फूड लाइन च सी, मैं डोमिनोज जॉब की, फिर उस तो मैं किसी के अंडर काम की करना है, फिर अपना कुछ ना कुछ करते हैं। फिर इन्हों के फ्रेंड सके एक, उन्होंने कहा चलो असी रल के काम करते हैं, तो फिर उन्होंने ओपन करवा के दिता सानू। असी उन्हों तो फ्रेंचाइजी ले ली, पूरी हेल्प करते हैं वो भी नाल, है भी अपनी जॉब भी करते हैं नाल, इतने आके मेरी भी पूरी हेल्प करते हैं। हाँ जी, मतलब हसबेंड जॉब भी करते हैं और नाल दी नाल इन्हां दा हाथ भी वटाउंदे ने, बहुत वड्डी गल है। की खास तुसीं इत्थे रख्या है जो लोग स्पैशल पहुँचते हैं? साडे कोल सैलड है, बर्गर, मरीन है, रैप है, तो बस शेक वगैरह भी ने। ज़्यादातर जिम वाले लोग मुंडे वगैरह लाइक करते ने बॉयज़, कि सैलड दी इत्थे कोई है नहीं सी, फिर इन्हां दे फ्रेंड ने कहा चलो असीं इत्थे ओपन कर लैंदे आ कि आ जाण करनगे लोग। काफ़ी चल रहा साडा, सही रिस्पोंस है। हाँ जी, 17 नू ओपनिंग कीती सी, हले 15 डेज ही होए है, काफ़ी वधिया रिस्पोंस है। सो मतलब 15-20 दिनों में अच्छा इन्ना ज़्यादा रिस्पोंस मिल रहा है कि लोग खुद आ रहे हैं। वो केड़ा सैंडविच है और केड़ा सैलड है जो इन्ना ज़्यादा पसंद करते हैं? सैलड मैम सारे ही है, हाई प्रोटीन है, प्रोटीन सैलड है, सिंपल सैलड है, फ्रूट सैलड है, जिस तरह का उन्होंने पसंद हो। कई सॉसिस के नाल लेंगे ने, जिम वाले बिना सॉसिस तो लेंगे ने, उन्होंने अवॉइड करते हैं सॉसिस वगैरह, जिस तरह का कस्टमर कह, कस्टमाइज भी बना दीदा है। जो भी वो कह, अजकल वैसे कहते होंगे भी साड़ी नूह राणी घर के रवे, कोई काम ना करे, पर ये सोच वाकई चेंज हो गई है। फैमिली चो किदा दा रिस्पोंस है? फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, सारे बहुत वधिया ने, मम्मी डैडी दोनों ही सपोर्ट करते ने। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बाहर नहीं जाना या बाहर जॉब नहीं करनी। मैं मैरिज तो बाद भी एक जगह जॉब की सी फूड लाइन से, फिर उस तो बाद हूँ अपना ही काम शुरू कर लिया। हाँ जी, तो होर मतलब कि मेन योजा प्रोटीन वाला दसते पे हो, केदी ज़्यादा डिमांड आती है सैलड की? जिहड़ा हाई प्रोटीन सैलड है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पेंदे ने, सारिया वेजिस होंदिया, ब्रोकली वगैरह,
ज़्यादातर लोग जो बॉयज़ ने जिम वाले गर्ल्स वगैरह सारे वो लाइक करते हैं हाई प्रोटीन सैलड है। की कहना चाहोगे जो मेन स्रोते सुनते हैं अज खास, क्योंकि गल करिए खाण पीन की तो खाण पीन का हर कोई दीवाना है। जो पंजाबियों की गल करा तो पंजाबी कहते हैं जिथे वधिया जायका होवे वधिया स्वाद होवे असी उत्थे जाना है। स्वाद की गल करते हैं, सो मिक्सी ग्राइंडर से की बना रहे हो शेक? मैं शेक बना रहा जी। हाँ जी, केड़ा शेक बना रहे हो? ये मैंगो शेक है जी। ओके, मैंगो शेक तुसी बना रहे हो, तो की मेन जो इनग्रीडियंट्स ने पाए ने? असी इहदे विच जी मिल्क पाने आ विद क्रीम वाला, मतलब कि असी आम मिल्क नहीं यूज करते, जिहड़ा विद आइसक्रीम हुंदा मिल्क उही पाउने आ, ते फिर नाल फ्लेवर मैंगो दा। ओके, गल कीती सी दुकान दे एड्रेस दी, दुकान दा एड्रेस? दुकान दा एड्रेस है जी लक्ष्मी नारायण मंदिर तो पहला ही लेफ्ट हैंड साइड मेन रोड मॉडल हाउस विच। सो बिल्कुल सामने ग्राउंड भी है और ग्राउंड के सामने बिल्कुल फ्रैश एवीन्यू है, और फ्रैश एवीन्यू ते पहुँचो और खाओ इंजॉय करो। पंजाबियों का बिल्कुल खाना ते पंजाबियों का गाना बड़ा फेमस है। सो मैम ना होर कुछ करांगे गल्लां बातां, खास करके जिन्ने भी असी देखे ने हुणी थोड़ी देर पहला सिंह साहब भी आए सी, जंक फूड वो भी खाते हैं, जंक फूड का हर कोई दीवाना है। सो कोई प्योर वैज है, प्योर वैज करके ज़्यादातर सिंह साहब आते हैं, तो हाँ जी साढ़े ज़्यादातर बनाते भी सिंह साहब ही ने, फिर इसलिए सारे लाइक करते हैं। मैम अजकल के जो लोग ने बहुत हेल्थ कॉन्शियस ने, है ना, तो हर कोई कहता कि असी जंक फूड तो थोड़ा जा परहेज कर लिए, बट अजकल इन्ना क ज़्यादा ट्रेंड के बीच है कि हर एक नूं पसंद है, सो परहेज तो कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई खा रहा है। तो जे असी हेल्दी की गल करिए, लिखे हेल्दी फ्रैश फूड, हेल्दी दे विच की है? साडा सारा फूड हेल्दी है, इसलिए असी लिखा हुआ फ्रैश एवेन्यू। फ्रैश वैजीटेबल्स होंदियां, ऑयल असी यूज़ नहीं करते, सब कुछ साडा ग्रिल होंदा, बर्गर भी ग्रिल होंदे ने, रैप सैंडविच सब कुछ ग्रिल होंदा। मेन साडे वैसे सैलड ने, सैलड दा ते तुहानूं दस ही चुके हां असीं। हाँ जी, तो बाकी सारा कुछ जो भी टिक्की वगैरह असी सारा ग्रिल ही करते हैं, ऑयल यूज़ नहीं करते, फ्राई कुछ नहीं करते। हाँ जी, उदा बच्चों की डिमांड हैगी कि फ्राइज़ शुरू करो, फ्राइज़ बच्चों पसंद है, फिर वो हले फिर भी असं कर नहीं रहे कि चलो लोगों है कि हेल्थ भी सही रहे, इसलिए असं इदा का काम किया कि हेल्दी भी रहन तो खा भी लैन फास्ट फूड, इदा का साडा काम है। सो बिल्कुल सही है जी, हेल्दी फ्रैश फूड एंड फ्रैश एवेन्यू। सो इसलिए कहते हैं फ्राई चीज़ों तो थोड़ा जहा परहेज करो, तो अजकल ग्रिल्ड का ज़्यादा है और ग्रिल्ड सैंडविच वगैरह ही ज़्यादा खाओ। सो बने रहो सेंट सोल द टाइम चला।